हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद मेरा फिर से पटाया वाला ब्लॉग आ रहा है। और हम जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था वो था कि टाइगर रिजर्व पार्क हम लोग गए थे पटाया में, और उसी पटाया में हम लोग फिर आइलैंड जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए कोलैंड आइलैंड में। एक्चुअली सबसे अच्छा आइलैंड तो माया भी बोलता है, जैसे फुकेत में है, लेकिन फुकेत हम लोग इस बार कवर नहीं कर पाए, तो इसीलिए पटाया में ही ये छोटा सा बीच मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे तो टाइमिंग जो हो रहा था 11 AM हुआ था, क्योंकि आप लोग को लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग ही जो बैंकॉक से हम लोग पटाया आ गए थे, तो हमें कवर करना था, इसलिए हम लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पर, जल्दी नहीं, 2 घंटे इनफ होता है टाइगर रिजर्व पार्क में। और फिर 11 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। 11 बजे एक बोट छोड़ता है जो आपको ओनली 30 रुपीज़ में आपको लेके जाएगा कोलैंड आइलैंड। 30 बार तो है, ये बात सही है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगा दिया था। करीबन 1 घंटा हमें लगा था आइलैंड पहुंचने में, जो हमारे लिए टाइम थोड़ा सा हम लोग सेव नहीं कर पाए। अगर हमें पहले से पता था तो बेहतर रहता, तो हम लोग स्पीड बोट में ही जाते, लेकिन कोई नहीं, हम लोग को 30 रुपीज़ में मतलब वहाँ पर आपका बजट तो बच जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पर स्टे करते तो इट्स गुड कि आप स्टे कर रहे हैं, शाम तक आप फिर बीच में रहेंगे तो। लेकिन हम लोग को वहाँ स्टे नहीं करना था, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइमिंग का वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग जब बीच पहुँचे तो वो करीबन वो 12 o'clock हो गया था। और पहली बात है कि हम लोग पहली बार ऐसे विज़िट करें, तो ऐसे जो भी है हम लोग फ़ोन के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू ही हम लोग को पता था कि कैसे क्या करना है, तो इसी थ्रू फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग को चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मैं आगे वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये सी बीच का जो कलर है इतना ब्यूटीफुल था ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पूरी गोवा ओके, पर हम लोग क्या है ना, इंडियंस लोग मतलब एकदम क्लीन नहीं रखते बोल के थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर भी मैं एकदम नहीं बोलूँगी कि नीट एंड क्लीन था, लेकिन हाँ अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लीन था। और पानी भी एकदम आपका ट्रांसपेरेंट पानी था, मतलब जो सी का पानी था, मतलब वो देख के ना आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको खुद मन करेगा कि हाँ मैं जाऊँ समुंदर में। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि आप जैसे बोट में आते तो हर 30 मिनट्स के बाद आपका बोट सर्विस है, जैसे 11 है, 11:30 है, 12 है, तो उस तरह से आपका बोट सर्विस वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा। और अगर आप रात में नाइट स्टे करना चाहते हैं कोलैंड आइलैंड में, तो आपको उसके लिए भी होटल्स, आपको अवेलेबल होटल्स वहाँ पर मिल जाएगा। और जो चीज़ें हमें मुझे फेस करना पड़ा वो है कि वहाँ पर जाके हम लोग चेंज किए, चेंज करके एक रूम जैसा हम लोग लेने की कोशिश कर रहे थे एज़ पर द यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे पता चला था। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, और वो ढूंढते ढूंढते हमारा टाइम बहुत काफ़ी चला गया, तो फाइनली हमें एक लॉकर मिला था। उस लॉकर में हम लोग अपना चीज़ें रखे थे, लेकिन फ़ोन वगैरह फिर भी हम लोग नहीं रखे थे। तो वहाँ पर भी हम लोग चेंज किया, चेंज करने के लिए भी इन लोग बस बाथरूम के पानी यूज़ करने के लिए भी आपको यहाँ पर 25 बार या 20 बार देना पड़ता है, मतलब फ्री में आपको नहीं होगा। और वहाँ पर हम लोग बीच का मज़ा कुछ लिए, उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से रिटर्न आ गए। और वहाँ से उस पार से हमने इस बार डिसाइड कर ही लिया था कि मैं इस बार स्पीड बोट में जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। तो करीबन हमें यहाँ से निकलते निकलते 4 बज गया था, जो हमें हमारे लिए फिर हमें रिटर्न भी जाना था बैंकॉक, तो इसीलिए हम लोग स्पीड बोट के लिए आपको वहाँ पर कोलैंड जो बोट मतलब गवर्नमेंट बोट है वहाँ से फिर हमने एक स्कूटी किया था, हमने देखा वो स्कूटी करके हमें फिर ड्रॉप कर दिया था जहाँ पर स्पीड बोट छोड़ता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया। एक्चुअली मैं जब गई थी बैंकॉक उस टाइम रेनी सीज़न था, तो मुझे लगा था कि मेरा ये अम्ब्रेला काम में आएगा, लेकिन ट्रस्ट में एक दिन भी बारिश नहीं हुआ। सब बोलते हैं कि रेनी सीज़न आ गया, बारिश होना चाहिए था, लेकिन बारिश नहीं हुआ। लेकिन मैंने अम्ब्रेला ख़रीदा था बोल के, मैंने उसका यूज़ करके थोड़ा फ़ोटोशूट मैंने कर लिया। और फाइनली अब स्पीड बोट, ओ माय गॉड, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, मैंने इससे पहले भी स्पीड बोट में बैठा था गोवा में, पर इस तरह का डर नहीं लगता था। इतना स्पीड से ये भाग रहा था, आप सोचिए कि जो 1 घंटे में कवर किया वो बोट, ये सिर्फ 10 to 12 मिनट्स में हमें पहुंचा दिया था आपका पटाया।
मतलब मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं वहाँ पर वीडियो तो की ही नहीं। जो भी है वहाँ मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा कवर किया और फाइनली अभी शाम हो गया है और हम अभी जा रहे हैं फिर रिटर्न बैंकॉक। और रिटर्न जाने के टाइम हम लोग थोड़ा सा फ्लोटिंग मार्केट देखे थे, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, मेरा मोबाइल में चार्ज भी नहीं था तो उसका कवर मैं नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन हाँ, इस तरह से आप एक दिन का बैंकॉक टू पटाया का टूर कवर कर सकते हैं, कवर करके फिर रिटर्न आप जा सकते हैं। और रिटर्न जाने के बाद भी हम लोग रात को भी फिर बैंकॉक में कुछ कुछ जगह है वहाँ पर कवर किए थे, जैसे आपका एशियाटिक पार्क वहाँ पर हम लोग गए थे, उसका वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा क्योंकि मैं पार्ट पार्ट में इसीलिए दे रही हूँ, फिर पार्ट पार्ट देने के बाद मैं कवर एक पूरा वीडियो भी दूँगी ताकि आप लोग को कोई अगर प्लान कर रहे हैं बैंकॉक जाएंगे तो मेरी ही वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे। और मैं एक चीज़ बताने भूल गई कि स्पीड बोर्ड से जब लोग हम लोग आ रहे थे वो 200 वाट करके लिया था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, टाइमिंग हम लोग को बहुत ज़्यादा बचा दिया था। और फिर हम लोग 7-Eleven में गए, कुछ केक्स केक्स वगैरह बहुत टेस्टी रहता है, इतना सॉफ्ट रहता है ना, मैं मतलब फ़ैन हो गया। अगर 7-Eleven इंडिया में रहता तो मैं ज़रूर यहाँ से फिर परचेस करती, पर मैं मन भर के मैं नहीं खा पाई। मैं कभी भी अगर इंटरनेशनल टूर करूँगी तो 7-Eleven जहाँ है तो मैं ज़रूर वहाँ विज़िट करूँगी। और मैं आपको भी बता दे रही हूँ, अगर आप स्नैक्स वगैरह कुछ खाना चाहते हैं तो आँख बंद करके आप 7-Eleven चल जाइएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पे कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।